बिहार बाढ़ से कराह रहा है, हर ओर पानी ही पानी है। क्या घर, क्या रास्ते, क्या स्कूल, सब कुछ पानी में डूबा है। बिहार के अलग अलग जगहों से लगातार बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं दरभंगा की, जहां रुक रुक कर बारिश होने से डीएमसीएच अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। डीएमसीएच के हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के आपातकालीन विभाग में इलाज के लिए आए मरीज को पानी के बीच स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाना पड़ रहा है। मरीजों के साथ ही अस्पताल कर्मियों को भी जल भराव से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने बताया कि जल भराव से मरीज बहुत परेशान है। देखिए, तो हर दो दिन की बारिश में ये जल जमाव की समस्या हो जाती है, ये वार्ड में हो जाती है, मेडिसिन परिसर में हो गई है, आपका प्रिंसिपल जो प्राचार्ज है उनके कार्यालय परिसर में है, अधीक्षक कार्यालय परिसर में है, ओपीडी इमरजेंसी और सर्जरी और ऑर्थो वार्ड में, इतने जगह में निरीक्षण में गया तो मुझे भी कुछ परेशानी हुई। पानी लगा हुआ था, जाने में परेशानी हुई, लेकिन किसी तरह से बचते बचाते मैं गाड़ी वहाँ तक लगाया और उसके बाद मैं जा सका। तो इस तरह से परेशानी मरीजों को भी मैंने देखा, वो किसी तरह से पानी में ही चल के जा रहे थे। तो ये समस्या बारम्बार होता है, जब तक जल निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं होगा, जब तक स्लो लाइन को किसी दशा पर नहीं किया जाएगा, तब तक समस्या होगी। समस्या तो आप भी जानते हैं कि बीच से पब्लिक रोड है, वो लोग भी आते जाते रहते हैं, तो जिससे कि मरीजों की समस्या तो है और मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ उन लोगों का भी ग्रोथ हो रहा है, वो समस्या है। वहीं मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। एक बारिश होने से पूरा मुजफ्फरपुर शहर पानी पानी हो गया है। मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं, हर साल बारिश में यही हाल होता है। खगड़िया में भी बारिश से बुरा हाल हो गया है। लगातार बारिश से पानी के बढ़ने के कारण छोटी लगार गांव का रिंग बांध टूट गया है, लिहाजा लगार पंचायत समेत आसपास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों से लेकर गांव के मंदिर में भी पानी घुस चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग के डीपीओ अमन कुमार ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए राहत शिविर लगाया गया है। खगड़िया जिला में कुल 4 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। हमारे प्रत्येक जगह जो है, जहां पे आदमी का जमा वारा लगा, वहां पे राहत शिविर कम्युनिटी किचन के रूप में शुरुआत की गई है, और टोटल हमारे जिला में कुल 20 कम्युनिटी किचन की शुरुआत कल से की गई है, जिससे बच्चे को नाश्ता नहीं मिल रहा है, वहाँ सिर्फ 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, दूध की व्यवस्था नहीं है। और ये बात कल जिलाधिकारी महोदय के दौरान जो है सर्वे में पढ़ा गया, जिसके पे जो है महोदय के द्वारा अतिशीघ्र अस्पताल के सीएस को एवं पीएचडी विभाग को अतिशीघ्र छापा पड़ाने का और बच्चों की दूध की सही व्यवस्था के लिए निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। पूरा खराब है, नहीं बोरी दिया जा रहा है और नहीं किसी तरह का हम लोग सहयोग मिल रहा है। अगर बोरी भी मिलता तो हम लोग बालू करके इस जगह देते, बोरी भी नहीं मिला तो हम लोग कैसे देंगे बताइए। तमाम तरह का प्रॉब्लम छाया हुआ है। क्या दिक्कत है? दिक्कत तमाम तरह की दिक्कत है, सब तो प्रॉब्लम लगा ही है। वो कम से कम पहला नंबर है कि बोरी देता तो हम लोग बोरी करके, बोरी में मिट्टी करके यहाँ हम देते, पहला नंबर ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा नंबर उस तरह से नहीं वीडियो साहब आए, नहीं सीओ साहब आए, नहीं प्रशासन आए हुए हैं, देखने के लिए क्या स्थिति है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। कहीं सरकारी सहायता पहुंची है, कहीं बाढ़ में फंसे लोग अधिकारियों के नहीं पहुंचने की शिकायत कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे बिहार के लोगों को राहत कब मिलती है। खगड़िया से स्वतंत्रता कुमार सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।